हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? हम जो है आज एक ऐसे जगह पे आए हैं जहाँ पे इंडिया का सबसे पुराना पुल है, जो कि अभी भी चालू अवस्था में है, और यह एक रेलवे और सड़क पुल दोनों ही है साथ साथ में। जैसे ही आप गूगल पे सर्च करेंगे कि इंडिया का सबसे पुराना रेलवे पुल जो अभी चालू अवस्था में है कौन सा है, तो आपको तीन रिजल्ट आएंगे और तीनों के तीनों गलत रिजल्ट हैं। तो आज हम आए हैं और इस पुल की जानकारी आपको देंगे और इस पुल के बारे में भी आपको बताएँगे कि ये जो पुल है वो किस स्थिति में है और किसने इसको बनाया था, कब बनाया था और क्यों ये जो है इतना इम्पोर्टेंट पुल है। तो चलिए इस पुल के बारे में बात करते हैं हम। अंग्रेज़ों का बनवाया हुआ यह पुल जो है 162 साल पुराना है, और यह जो पुल है इसमें दो ब्लॉक हैं, मतलब दो लेन हैं अलग अलग, और एक जो है थोड़ा सा चौड़ा है और एक थोड़ा सा पतला है, 4.25 मीटर के लगभग में और 3.25 मीटर के लगभग में दो जो है लेन बने हुए हैं नीचे में। और ये ट्रस सिस्टम में बना हुआ है जो कि प्योर लोहे से बना हुआ है, और ये लोहा जो है 5000 टन से ज़्यादा का लोहा जो है आया था, अंग्रेज़ों ने इसको इंग्लैंड से लाया था और यहाँ पे जो है पुल का निर्माण किया था। और इसके ऊपर में जो है रेलवे पुल है, और यह जो है पटना और दिल्ली का जो है मेन लाइन है, मुगल सराय और पटना दानापुर खंड का जो है ये रेलवे लाइन है, और यह बहुत ही जो है आज भी इसकी स्थिति जो है बहुत ही शानदार है। और आप देख सकते हैं 162 साल होने के बाद भी यह पुल आज चालू है। और इस पुल के बगल में एक जो है, आप इधर देखिए, नया पुल यहाँ पर बना हुआ है। और ये जो पुल है ये इसलिए नहीं बनाया गया कि ये पुल जो है वो किसी काम का नहीं रहा, ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि यहाँ पे जो है सोन नदी में बालू का खनन होता है, और बालू के जो है ढोने के लिए उसके लिए बड़े बड़े ट्रक जो चलते हैं उसके हिसाब से जो है इस पुल की चौड़ाई जो है वो सफिशियंट नहीं थी और जाम लगा करता था, इस वजह से इस पुल को जो है बनाया गया है। और ये जो पुल है इसका नाम जो है अब्दुल बारी सिद्दीकी, जो कि प्रसिद्ध जो है समाज सुधारक थे और शिक्षाविद थे, उनके नाम पे रखा गया था। और आप इस पुल का जो है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हैं, पुराने समय का बना हुआ है और कहीं पे भी कोई भी क्षति नहीं हुई है इस पुल में। अब जो है बालू खनन की वजह से किसी किसी पिलर में जो है हल्का हल्का जो है क्षति नीचे में आने लगा है, लेकिन जो है जनरली यह पुल जो है अभी भी बहुत ही अच्छे स्थिति में है। तो हम इसके बारे में कुछ और जानकारी आपको उपलब्ध कराते हैं। जैसे कि अंग्रेज़ जिस समय जो है पहली बार इसको सर्वे करने के लिए आए थे, तो उस समय जो है उन्होंने यही स्थान चुना क्योंकि यहाँ पे जो है लगभग 1600 मीटर की चौड़ाई है सोन नदी की, जो कि उपयुक्त है। आगे में जो है सोन नदी बहुत ही चौड़ा है और बंटा हुआ है, इसलिए वहाँ पे पुल बनाना सार्थक नहीं हो सकता था। तो इस पुल को चुना गया यहाँ पे बनाने के लिए, और 1600 मीटर का जो यहाँ पे जो है चौड़ाई थी यहीं पे पुल बनना शुरू हुआ। और लगभग 1862 में इसका उद्घाटन हुआ था, तत्कालीन वायसराय थे उनके द्वारा जो है इसका उद्घाटन हुआ था, और उन्होंने जो है कोलकाता से ट्रेन के द्वारा जो है इसकी यात्रा करके और फिर इसका उद्घाटन किया था यहाँ पे। तो यह जो पुल है इतना पुराना है और आज भी लाइव है, बहुत ही आश्चर्य की बात है।
हम देखते हैं कि जो है नया पुल पहले जो है ख़राब होता है या फिर ये पुराना पुल पहले ख़राब होता है, ये भी देखने वाली बात है। तो हम आपको और भी जानकारी उपलब्ध कराएंगे और इसका जो है आपको ड्रोन व्यू भी दिखाएंगे हम इस पुल का कि जो है क्या इसका इतिहास रहा है। यह पुल जो है आरा और पटना को जोड़ता है और यह मुख्य सड़क मार्ग और रेलवे मार्ग दोनों जो है उस ज़माने में जो है पटना से कनेक्टिविटी का एकमात्र साधन यही हुआ करता था। अंग्रेज़ों के द्वारा बनवाया हुआ बहुत ही शानदार ट्रस सिस्टम पे है। ट्रस सिस्टम आप नहीं जानते होंगे तो जान ले इसके बारे में। ट्रस जो होता है उसमें अगर मान लीजिए कोई भी पिलर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसका जो है भार जो है सारे अलग अलग पिलर्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसलिए ट्रस सिस्टम के जितने भी पुल होते हैं वो बहुत ही शानदार अवस्था में रहते हैं, बहुत जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। 1982 में आई गांधी मूवी जो है उसकी शूटिंग इसी पुल पे हुई थी और गांधी जी जो उतरते हुए दिखाए गए हैं वो इसी पुल के आखिर में स्टेशन है, वहीं पे जो है उनका उतरना दिखाया गया है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, अच्छा लगा तो बताएं, बुरा लगा तो भी बताएं और इसे आप शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।